जय हिंद दोस्तों, राम राम जी। क्या हाल आप सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ शिव वर्मा, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम चलेंगे सिटी टूर पे। सिटी टूर पे आज हम धोबी घाट से घूम के सीधा दशहरा ग्राउंड और वहाँ से फिर हम गिद्धमुन रोड पे आएंगे। बहुत ही खूबसूरत सिटी टूर है। वीडियो पूरा एंड तक देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे आने का बटन दबा लो ताकि आप वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ताकि वो लोग वीडियो देख सकें। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और चैनल को लाइक जरूर कर देना वीडियो को। आपके लाइक करने से थोड़ा हमारा हौसला बढ़ जाता है, हम और भी अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो एक बात जरूर बताना कि आपको वीडियो में आवाज़ कैसी लग रही है, क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट से माइक मंगवाए हैं तो बहुत से लोग शिकायत करते थे कि आवाज़ अच्छी नहीं आ रही। तो फिर आप ही बताना कि आपको आवाज़ कैसी लगी है। तो चले करें शुरू। लो जी मित्रों, पहुंच गए हैं चिंतपुर्णी रोड पे। ये आप देख ही रहे हैं चिंतपुर्णी रोड के आसपास की जो कॉलोनियाँ बनी हुई हैं वहाँ पे हम खड़े हैं इस टाइम। तो यहाँ से हम चलेंगे अभी धोबी घाट रोड पे, और धोबी घाट रोड से फिर हम चलेंगे सिटी में थोड़ा सा घूमने के लिए। आए सिटी राइड करेंगे थोड़ी सी, तो बने रहिए वीडियो पूरा एंड तक देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चले चलते हैं, देखते हैं कि कैसा बनता है वीडियो। और मैंने फ्लिपकार्ट से बाइक मंगवाए थे तो आप बताना कि आपको आवाज़ कैसी आ रही है। तो कई लोग शिकायत करते थे कि आवाज़ कम आती है, तो बताना कि इस बाइक से आवाज़ अच्छी आ रही है कभी। ये है मेन हाईवे हिमाचल का, तो यहाँ से सड़क जा रही सीधा हिमाचल की तरफ। ट्रैफिक थोड़ा इस तरफ रहता ही है थोड़ा सा, क्योंकि चंडीगढ़ की तरफ से जो आते हैं, दिल्ली की तरफ से जो लोग आते हैं, वो फिर इधर से ही हिमाचल जाते हैं। ये है जी आदमबाग। आदमबाग का वीडियो आपने देखा होगा पहले। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बता देना। मैंने जो माइक है नॉइज कैंसिलेशन पे लगा रखा है ताकि साइड की आवाज, जो बाहर की आवाज है ना गाड़ियों वगैरह की, वो थोड़ी सी कम आए। अभी यहाँ से मुड़ जाएंगे राइट, मैंने इंडिकेटर दे दिया है, देखो यहाँ से राइट मुड़ेंगे। ये धोबी घाट रोड शुरू हो गया। इस रोड से आगे जाके आप सीधा सिटी में अटैच हो सकते हो, और फिर आगे जाके ये मतलब इस्लामाबाद जाके मिल जाती है, वहाँ से फिर सीधा चंडीगढ़ दिल्ली जा सकते हो। चंडीगढ़ दिल्ली हरिद्वार देहरादून सब यही जाती है सड़क। ये सारा आदमवाल गाँव है। काफी डेवलप हो गया ये इलाका काफी। ये सारा मतलब दोनों तरफ कॉलोनियां बनी हुई है। ये स्कूल है एसडी स्कूल, और सामने ये नहर आ जाएगी।
ये है जी नहर जो चौहाल डैम से आता है पानी। ये नहर है जी जो सीधा मतलब के चौहाल डैम से आ रहा है। ये खेतों में सिंचाई वगैरह के लिए यूज होता है पानी। जो आसपास लोग खेती बाड़ी करते हैं ना उनमें फिर छोड़ देते हैं ये पानी, थोड़ा थोड़ा चढ़ जाता है खेतों में। और ये इसका सारा आसपास का इलाका है, ये सारी कलोनियाँ बनी हुई इधर जो भी आप देख रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत इलाका है ये। इधर गांव वगैरह है, बसी गुलाम से नगर है इधर। ये कोई मुझे लग रहा है शायद कोई छोटी मोटी फैक्ट्री बनी होगी। मैं खड़ा हूँ पुल के ऊपर, गाड़ियां मतलब पूरी स्पीड से जा रही है इधर। ये देखो यहाँ की फंक्शन की तैयारियां चल रही है, कोई फंक्शन होने वाला, मैच मूच लगेगा मेरे को लग रहा है क्रिकेट का। उसी हिसाब से यहाँ पर ग्राउंड वगैरह तैयार किया जा रहा है। आपको क्या लगता है जरूर बताना। तो अभी चलते हैं इस तरफ सीधा, तो देखते हैं आगे मार्केट चलते हैं इस तरफ। यहाँ पर भी काफी मतलब के बनते जा रहे हैं पास रोड, अब तो काफी काम होता जा रहा है इधर। ये सड़क जो है ना आगे मतलब के चंडीगढ़ रोड से आगे हिमाचल रोड से आगे जुड़ जाती है। अगर आपने सिटी के बीच में से आना हो ना चंडीगढ़ रोड से, दिल्ली की तरफ से आप आए हो, चंडीगढ़ की तरफ से आए हो, तो इस रोड पे आ जाओ, सीधा सीधा हिमाचल की तरफ निकल जाएगी। आगे जाके आपको सीधा हिमाचल वाला हाईवे मिल जाएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे हल्का बटन दबा लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। साथ के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ताकि वो लोग भी वीडियो देख सकें। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो, इसका कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और लाइक का बटन जरूर दबा देना, आपके लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ जाता है, हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे आपके लिए। जो लोग इस रास्ते को जानते हैं ना वो तो इस तरफ से आ जाते हैं सारे के सारे। इसमें दोनों तरफ कॉलोनियां काफी अच्छी बनी हुई है, काफी अच्छे घर बने हुए हैं। इसी रोड पे आगे जाके साईं बाबा जी का मंदिर और गौशाला भी है। लोग देख रहे हैं कि हेलमेट के आगे कैमरा लगा रखा है। साईं बाबा जी का मंदिर और साथ में नीचे से गौशाला बनी हुई है।
अभी हम शहर में बॉल एंटर करते जा रहे हैं। ये भी रास्ता मतलब सिटी में निकल जाता है, थोड़ा इस तरफ से चलते हैं, ये भी निकल जाता है सिटी में। सिटी में ही सारा ही, अभी सिटी में खड़े हैं हम लोग, सिटी में चल रहे हैं। ये सारा शहर है, ये दशहरा ग्राउंड है सारा, यहाँ दशहरे का मेला लगता है। मेले की वीडियो मैंने पहले बनाई थी दशहरा ग्राउंड की, आपने देखी होगी पहले। ट्रैफिक यहाँ भी बहुत है, रोड उल्ट गया। ये दशहरा ग्राउंड है सारा, ये हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। शाम को यहाँ रश बहुत होता है, बहुत लोग इधर घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर मेला का लगा हुआ है, खाने पीने की रेडियां लगती है इस समय शाम को इधर पर। शनिदेव जी का मंदिर, सिटी है सारा होशियारपुर सिटी। ये पार्क बड़ी हुई है, यहाँ पर सब्जी मंडी बनी हुई है, पर सब्जी इधर बहुत महंगी मिलती है। एक दूसरी सब्जी मंडी सिटी में इसके पास ही है, यानी कि 2 किलोमीटर आगे, वहाँ सब्जी बहुत सस्ती मिलती है। इधर सब्जी फल सब बहुत महंगे मिलते हैं। ये है जी माता चिंतपूर्णी चौक, इधर से बस मुड़ रही है ना, हमने इस तरफ जाना है, ये चिंतपूर्णी रोड है। ट्रैफिक तो हर शहर का बुरा हाल कर रखा ट्रैफिक में। थोड़ा सा ट्रैफिक समस्या,
यहाँ पर आके वैष्णो माता जी का मंदिर भी है। जो 16 लीटर वालों की बस है, जो 16 लीटर ट्रैक्टर बनते हैं ना, उनकी बस है जो स्टाफ को छोड़ते हैं, शाम को छुट्टी होती है ना स्टाफ, तो स्टाफ को छोड़ने और लेने के लिए आती है सुबह। ये है जी वैष्णो माता जी का मंदिर बना हुआ यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये बना अंदर गुफा भी बनी हुई वैष्णो माता जी की, एक तो ये मैंने इसलिए भी थोड़ा सा सिटी टूर किया है कि पता चल जाए कि माइक कैसा काम कर रहे हैं, जो मैंने मंगवाए फ्लिपकार्ट से कैसी आवाज आ रही है आपको। वेरी वेरी ट्रैफिक, आगे निकलने में मुश्किल बहुत होगी, दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं। ये सारा सिटी का इलाका है, हाँ जी। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करना, और आवाज़ कैसी लग रही है जरूर बताना, और भी ऐसे बहुत से वीडियो आते रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, पहले बेल का बटन दबा दो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो लोग भी वीडियो दे सकें। लाइक का बटन जरूर दबा देना, लाइक आपके लिए बहुत ज़रूरी है करना, ताकि हमारा हौसला बढ़ जाए। आपके लिए बहुत आसान है लाइक करना, तो ऐसे बहुत सी वीडियो आते रहेंगे। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।